हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम इस जनरल एक बहुत सिंपल रिएक्शन ए गिव्स बी को एनालाइज करेंगे एंड हम देखेंगे कि इस रिएक्शन का कोई भी ऑर्डर हो सकता है एंड बेस्ड ऑन जो भी इस रिएक्शन का ऑर्डर है हाउ डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज. ठीक है, तो हम मान लेते हैं अगर ये एक सिंपल रिएक्शन है तो हम कह देते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अज्यूम करेंगे हम एट एनी इंस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज सी. ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि जितना हमने अभी तक पढ़ा हम कह सकते हैं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तो माइनस डी ए बाई डी टी है. राइट, सो आई कैन से रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली माइनस ऑफ डी सी बाई डी टी. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी इंस्टेंट इज सी. हम क्या कहेंगे, बेस्ड ऑन रेट लॉ दिस इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. राइट, कुछ ऐसा पढ़ा था ना हमने, रेट ऑफ रिएक्शन इज के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस्ट पर द ऑर्डर, ऑर्डर एन मान लेते हैं. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी टू द पावर एन. ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं. दिस इज ट्रू फॉर एनी रिएक्शन, एनी जनरल रिएक्शन ए गिव्स बी वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो पहले एक सिंपल केस देखते हैं. तो लेट्स लुक एट जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, जीरोथ ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें, जीरोथ ऑर्डर में क्या हो जाएगा, जीरोथ ऑर्डर में सिंपली हो जाएगा डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के. लाइक दिस इज द रेट लॉ दैट विल गेट डी सी बाई डी टी इज माइनस के. तो इससे पहले एक और चीज़ हमको समझ आ रही है, अगर डी सी बाई डी टी माइनस के बराबर है या के किसके बराबर है, माइनस डी सी बाई डी टी. सी तो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, और टी क्या है, टाइम. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, के यूनिट्स क्या हो जाएंगे इस पर, के यूनिट्स हो जाएंगे मोल पर लीटर सेकेंड. ठीक है, फॉर अ जीरो ऑर्डर. तो इसको अगर मैं एनालाइज करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डी टी एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. और इसको अगर हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, ठीक है, इसको सॉल्व करें, इंटीग्रेट करेंगे, हम कहेंगे एज टाइम गोज फ्रॉम जीरो टू टी कॉन्सेंट्रेशन गोज फ्रॉम सी नॉट टू सी टी. दिस इम्प्लाइज, इसको इंटीग्रेट अगर आप करोगे, ठीक है, इफ़ यू एक्चुअली एंड अप इंटीग्रेटिंग दिस, तो आपको क्या मिलेगा, डी सी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स होती ना, डी सी की इंटीग्रेशन सी हो जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा, सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स टी माइनस जीरो. तो कुछ ऐसा मिलेगा, सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और सी टी इज इक्वल टू सी नॉट. ठीक है, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी. दिस इज वॉट वी गेट. तो हम कह देंगे फॉर अ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, बेसिकली इफ आई लुक एट द ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम. ठीक है, फेलो कैट द ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम जो है वो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, सी नॉट, सी नॉट से स्टार्ट हो रहा है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ है विद अ स्लोप ऑफ माइनस के. ठीक है, और यूनिफॉर्मली देखो कैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है लीनियरली यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है. So these are properties of zeroth order reaction. So for zeroth order, we can say dc by dt is minus k, we can say ct is c naught minus kt, and we can say graph of concentration versus time, jo hai, is a straight line with slope of minus k. So zeroth order bahut simple case hai. Theek hai, to isme aage badhte hai. Let's look at a first order reaction. Theek hai, first order ko dekhte hai. To I'll just say first order. फर्स्ट ऑर्डर मीन्स एन इज इक्वल टू वन. मतलब अगर रिएक्शन है हमारी ए गिव्स बी, जिसमें हमने कहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो सी के बराबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम इसमें कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन विच इज डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के सी. तो पा रहे था तो माइनस के सी, ऐसा हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. पिछले पेज पर हमने देखा था, we saw that minus dc by dt is kcn or dc by dt is dc by dt की अगर हम बात करें, dc by dt क्या होता है, minus kcn.
तो फर्स्ट ऑर्डर में एन वन हो जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी इज माइनस के सी रेस टू पावर वन, ठीक है। तो इस पर आ जाते हैं वापस, तो अगर इसको एनालाइज करें तो अगेन आई कैन से डी सी बाय सी राइट इज इक्वल टू माइनस के डी टी, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, आई इंटीग्रेट दिस अगेन एज टाइम गोज फ्रॉम जीरो टू टी, कॉन्सेंट्रेशन गो फ्रॉम सी नॉट टू सी टी। सो वन बाई एक्स की इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए हमको, वन बाई एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स राइट, तो वन बाई सी की हो जाएगी लॉग सी, सी नॉट सी टी, एंड डी टी की इंटीग्रेशन टी होती है, सो सिंपली दिस, सो दिस विल बिकम एल एन ऑफ सी टी माइनस एल एन ऑफ सी नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, और दिस विल बिकम एल एन ऑफ सी टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ सी नॉट माइनस के टी राइट। सो दिस विल बी ट्रू फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट। और अगर मैं इसको देखूँ, ये लॉग जो है वो डायमेंशनलेस होता है राइट, लॉग इज डायमेंशनलेस, तो एल एच एस इसका डायमेंशनलेस है, तो आर एच एस भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। सो टी के डायमेंशन क्या है, सेकेंड्स, सो के डायमेंशन क्या होने चाहिए, और टी के डायमेंशन टाइम है, के शुड बी वन बाई टाइम, और के का जो यूनिट है दैट विल बिकम पर सेकेंड राइट। सो आई कैन से यूनिट्स ऑफ के आर बेसिकली पर सेकेंड, दैट्स वन एस्पेक्ट। द अदर एस्पेक्ट हियर इज, अगर मैं लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम ग्राफ बनाऊं, तो आई कैन क्लियरली सी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम इज अ लीनियर ग्राफ राइट। लॉग कॉन्सेंट्रेशन इज सिंपली लॉग सी नॉट, ठीक है, इट स्टार्ट्स विद लॉग सी नॉट एंड देन डिक्रीजेस लीनियरली, ठीक है, ये चीज क्या है, दिस इज एल एन ऑफ सी नॉट। स्लोप कितना है इसका, स्लोप इज माइनस के, ठीक है। लॉग कैन बी कन्वर्टेड इन टू लॉग टू द बेस 10, उसके लिए 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है, सो इन दैट केस इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस, 2.303 लॉग सी टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट माइनस के टी, तो इसका मतलब लॉग सी टी इज इक्वल टू लॉग सी नॉट माइनस के डिवाइड बाई 2.303 टाइम्स टी, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं, आई मेक अ सिमिलर ग्राफ, दिस टाइम आई मेक अ ग्राफ बिटवीन लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सब नेचुरल लॉग, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो इस बार जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, सेम ग्राफ आएगा लेकिन स्लोप जो होगा दैट वुड बी माइनस के बाई 2.303, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो जीरोथ ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन टाइम इज लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर में लॉग कॉन्सेंट्रेशन टाइम इज लीनियर, ठीक है। एक और ग्राफ होता है इसमें जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है, विल कीप दिस एक्सप्रेशन इन माइंड, ठीक है। सो लेट मी लाइट दिस एक्सप्रेशन अगेन, सो द एक्सप्रेशन इज ln of ct, let me write this properly, ln of ct minus ln of c naught equal to minus kt. This implies log a minus log b is log a by log b is equal to minus kt. So iska matlab ct by c naught is e to the power minus kt. This implies ct is c naught e to the power minus kt. Again, this is what ct is. So, agar main graph banaun phir se of concentration versus time. This graph ko main se samajhte. When t is equal to 0, ct is c naught. t is equal to 0, e to the power 0 is 1, ct is c naught. तो जैसे जैसे t increase होगा,
तो क्या होगा, ये जैसे जैसे टी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ये जैसे टी की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, ई दबा माइनस के और सी नॉट डिवाइडेड बाई ई दबा के, तो ये कम होता जाएगा ना एक्सपोनेंशियली। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, कुछ एक्सपोनेंशियल डीके टाइप ग्राफ है ऐसा। तो कभी कम्प्लीशन नहीं होगा, बिकॉज ये जीरो कब होगा, बट टी इज़ टू द पावर इन्फिनिटी, एज एज टी अप्रोच इज इन्फिनिटी, ठीक है, यू कैन सी दिस बिकम सी नॉट अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, सो एज टी अप्रोच इज इन्फिनिटी सी टी अप्रोच इज जीरो, राइट। सो वही से जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज ये किसकी बात चल रही है, फर्स्ट ऑर्डर की चल रही है ना, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें देर इज नो, उसमें देर इज आई कैन से नो कम्प्लीशन, रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, देर इज नो कम्प्लीशन, और आई कैन से देर इज नो 100% कम्प्लीशन, रिएक्शन कैन ओनली अप्रोच अ पॉइंट वेयर रिएक्टेंट इज फिनिश, तो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन कभी जीरो नहीं होगी। तो रिएक्शन अगर है ए गिव्स बी, ए कभी जो है, सो आई एम सेइंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कभी जीरो नहीं होगी तो रिएक्शन हमेशा हो रही होगी, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी प्राइमरली सॉ दिस, लाइक वी वर्कड ऑन डी सी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के सी, एंड दिस इज द रेट लॉ वी गॉट, राइट, वी कैन से दिस इज द रेट लॉ, वी कैन से दिस इज द रेट लॉ दैट वी गॉट, एंड और हमने देखा, जो हमने ग्राफ्स देखे वो कुछ ऐसे देखे कि कॉन्सेंट्रेशन ऐसे डिक्रीज होती है, तो जीरोथ और फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंस यही है। तो अगर मैं जीरोथ ऑर्डर की बात करूँ, ठीक है, जस्ट फॉर कंपेरिजन, अगर हम एक ही ग्राफ में इसको विजुअलाइज करें तो आई कैन से ओके, ये मान लेते हैं हम जीरोथ ऑर्डर है, ठीक है, तो जीरोथ ऑर्डर में जो डिफरेंस है, जो स्टार्क डिफरेंस है वो ये, जीरोथ ऑर्डर इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कंप्लीशन है लाइक दिस इज 100% कंप्लीशन, ठीक है। दूसरा जो मैं डिफरेंस देखा हमने फर्स्ट ऑर्डर जीरोथ ऑर्डर, हमने यूनिट्स में भी देखा, फर्स्ट ऑर्डर में जो यूनिट है वो पर सेकंड है, और जीरोथ ऑर्डर में जो हमने यूनिट देखा वो क्या देखा, मोल पर लीटर सेकंड, ठीक है। तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे ऑर्डर चेंज होता है यूनिट चेंज होता है, सो दिस वाज अबाउट फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरोथ ऑर्डर। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट आई विल डू इज़ हम थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बिकॉज जीरोथ और फर्स्ट ऑर्डर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर पे, सो वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस एंड वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। सो अंटिल देन, गुड बाय।